भैया और मना क्या हुआ भैया, आपका स्वागत है प्लांट सर्विस टू के एक और नए एपिसोड में। भैया आज के एपिसोड में हम लोग खेलने जा रहे हैं इसके अगले लेवल्स को मना कहा कि नहीं करते हैं। हाँ भैया करते हैं, तो भैया आप देख सकते हैं अभी क्या भैया हमारा भैया कैलेंडर स्ट्रिक्ट चल रहा था भैया, सही काम मुन्ना। तो भैया कैलेंडर स्ट्रिक्ट का आप देखेंगे तो भैया आपको ये मिला है, तो भैया आप रोज नोटिस करके भैया, तो भैया 7 दिन में आपको एक टॉर्च रोड मिलने का स्क्रिप्ट चल रहा था जिसमें मतलब रोज रिवॉर्ड अनलॉक कर रखे, लेकिन भैया आज 7वां दिन था तो हमने ये भी कंटिन्यू कर दिया है, मतलब हमने इसको भी अनलॉक कर दिया। और मैंने क्या बात है, अब तो हमारे पीस रुपये और पावरफुल हो जाएंगे, खास करके पी पॉड वो टॉर्च रोड के साथ मिलकर को ओपी हो जाएगा मैक्स लेवल पर अपने मैक्स फॉर्म पर। टॉर्च रोड के साथ भैया पी पॉड को कोई नहीं हरा सकता, जगह बार भी हार जाएगा भैया उसके सामने को, सही काम मुन्ना। चलो वाइल्ड वेस्ट में चले जाते हैं, तो ये लास्ट के लेवल 13 पे लीव किए थे, लेवल 14 को चालू करते हैं भैया टॉर्च रोड दिखाने के लिए। भैया टॉर्च रोड भैया एकदम ज़्यादा दिनों के करे काम करता है जब वो डेस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे इसका प्राइस है 175, तो इसको ले लेते हैं भैया, पी पॉड भी ले लेते हैं भैया, पीछे से कोई आएगा नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भैया हमको सनफ्लावर डबल सनफ्लावर लेना होगा, ये हम लेंगे, और लाइटनिंग रेडियम को लेना पड़ेगा क्योंकि चिकन वाला है, चिली बीन को हमें शुरुआत के लिए चाहिए, पर मना वॉलेट नहीं है इसमें, चलिए छोड़िए भैया। तो भैया लास्ट टाइम इस लेवल पर अटक गए थे, देखते हैं अब कर पाते हैं कि नहीं। तो भैया यहाँ पे पी पॉट को लगाते हैं और इसको साइड डाउन करते हैं, मैंने यहाँ पे भी सनफ्लावर लगा के जा, ठीक है भैया, और इस पर डबल लगा के अब एक को चिली बीन से मार गए, इसको मैक्स लेवल पे एक और बार कर, एक और बार इसको कर दे, फिर एक ले दे और फिर इसको स्लाइड कर दे इसकी तरफ। ओके भैया फ़िलहाल तो सही लग रहा है आपका आइडिया, मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। बस भैया मैक्स लेवल का हो गया ये, मैंने इसका मैक्स लेवल को करना वजह का मुश्किल नहीं है, इसके देखिए ले दे को और किनको, और जब ये लगाने हैं अब किनको टॉर्च वो के लगाना चालू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टॉर्च वोट लगा के और यहाँ से लगा के क्यों तो कह रहा अच्छा हो जाएगा। अब मैं ना अभी कहते उस लाइन को छोड़ के इस लाइन पे फोकस कर ले थोड़ा, और मन्ना अभी करके एक लाइटनिंग ग्रिड चाहिए, और मन्ना लाइटनिंग ग्रिड चाहिए। हाँ भैया अच्छा किया जो सही टाइम पे लाइटनिंग ग्रिड लगाया, और इसको क्यों लगाया हटा दीजिए, और मन्ना ये हमारे टॉर्च वोट को खा लेगा। अरे भैया मैं तो सोचा ही नहीं है बहुत, और मैंने टॉर्च वुड के क्लोज डैमेज भी डील करके है, हाँ भैया क्लोज डैमेज भी डील करके है भैया टॉर्च वुड। और भैया यहाँ पे एक लाइटनिंग ग्रिड लगा के रखी है इनकेस, ठीक है भैया आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, समझ गया मुन्ना। कभी अभी का ये काम करिए आप, मैंने ये एक टॉर्च वुड की तरफ है ये, अभी आप देखिएगा कैसे जैसे ये डिस्प्ले होता है कैसा रहेगा, मैंने ये एक भैया अब लाइटनिंग ग्रिड को स्पैम करना है आपको, लाइटनिंग ग्रिड स्पैम कीजिए भैया लाइटनिंग ग्रिड, मुन्ना कुछ अच्छा है चल इस पर करके कहें भैया, इसका क्लाउड आ जाता है मैंने कहा करना भैया आपको, मैंने लाइटनिंग ग्रिड हमारे पास बहुत हैं तो इनको कोई चांस नहीं है ये लोग हमसे जीत पाएंगे, देख ले लाइटनिंग ग्रिड इसको परेशान करके रख दिए, हाँ भैया सही कहा लाइटनिंग ग्रिड इनको परेशान करके रख देंगे, देख सकते हैं कितना अच्छा है मना, अब थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है हमारा। चल अब लाइटनिंग ग्रिड पे करते हैं क्योंकि वो सारे जॉम्बीज से एक बार में टारगेट करता है, और भी टॉर्च वुड को इधर क्यों लगाया, इधर लगाइए ना
यहाँ पे आपको डबल सनफ्लावर्स लगाने हैं, मैंने कहा था ना। मुन्ना एक और लाइटनिंग रिड इन केस रख ही देखू। हाँ भैया एक और लाइटनिंग रिड इन केस रख लेता हूँ, क्योंकि भैया अब हमको वो वाली प्रॉब्लम चाहिए नहीं। भैया मैंने जाकर भैया लास्ट टाइम में चिकन वाली प्रॉब्लम हमारे लिए हो, तो एकदम चार चार लाइटनिंग रिड रख चुका हूँ भैया मैं। अब तो मेरे ख्याल से भैया प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या बात है, मुन्ना को लाइटनिंग रिड काले तरीके से जीत गया। हाँ भैया, और टॉर्च वुड मिलने के कारण हम लोग एक्स्ट्रा पावरफुल भी हुए, और उस पियानो जम्बी को हमने बहुत जल्दी मार दिया, वरना भैया बिना टॉर्च वुड के उस पियानो वाले जम्बी को मरने में टाइम लगता भैया। चल मुन्ना देख लेते हैं क्या है इसमें। भैया इस पियानो में देख लेते हैं क्या है। ओके 100 कॉइन मिले हैं। अच्छा 3 पीपॉट के ये मिले हैं। ओके कुछ अपडेट नहीं होगा। 4 विंटर मेलन के मिले हैं। खैर विंटर मेलन का बहुत बाद में अनलॉक होगा। शायद भैया लास्ट प्लांट है। अरे भैया पता नहीं क्या क्या आगे रहते हैं। चलिए छोड़िए, डोंट लूज मोर देन 2 प्लांट। अरे भैया वॉलनट को कब लेना ही नहीं चाहिए, मतलब वॉलनट नहीं लेना। पर भैया अच्छा है चिकन वाला नहीं है, वरना चिकन बहुत सारे आते हैं भैया, और हमारे बहुत सारे प्लांट भी खा डालते हैं। तो इसमें भैया हमारे मैक्सिमम फायर रेट चाहिए हमको, ये चाहिए होगा। इसको ले रखे हैं, इसको लेना ही पड़ेगा, और जितना मैक्सिमम फायर रेट हम लोग ले सके। वॉलनट रखेंगे नहीं भैया, क्योंकि वो लूज़ हो सकते हैं। पर भैया बॉन्ग चॉइस भी लूज़ हो सकते हैं ना, तो बॉन्ग चॉइस को भी नहीं रखना है। और हम लोग स्पाइक रॉक भी नहीं रखें, चलो स्पाइक रॉक रख लेते हैं। मेरे को नहीं लगता इतने सारे आ रहे हैं। स्पाइक वीड नहीं रखना भैया, बहुत खतरनाक है स्पाइक वीड, इसलिए खतरनाक है भैया ये हमको लेवल हरवा देगा। और भैया मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्यों इतना खतरनाक है, क्योंकि भैया ये जो पियानो वाले ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, ये इसके ऊपर पैर रख सकते हैं और ये गायब हो जाता है, लूज़ हो जाता है भैया। कोई इंस्टा किल प्लांट का भी यूज़ नहीं करना भैया हमको, और टॉर्च वुड को भी संभाल के रखना है। तो भैया जितना मैक्सिमम फायर रेट हो सके, और भैया ज़ॉम्बीज़ को हमको फ्रीज नहीं करना भैया, और हम लोग इसको आइस पर कलर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो भैया हमको ये कैनल पर्क यूज़ करना पड़ेगा ज़ॉम्बीज़ को इमोबिलाइज करने के लिए, और डबल सनफ्लावर हम लोग नहीं देंगे कि हमारा गेम नहीं चलेगा। और स्पाइक वुड को हमने क्यों रखा है, इसलिए अगर नॉर्मल दे देते हैं भैया फायर पावर के टेंशन के दूर हो जाएगा। लेकिन भैया हम लोग को चिली विंग मिनी विंग नहीं देना है, वरना हम लोग यूज़ कर जाएंगे वो सबको। तो भैया ज़्यादा कोई पावरफुल ज़ॉम्बी जा नहीं रहे हैं, और भैया सारे प्लांट्स पीछे की तरफ लगाएंगे हम। तो भैया मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है अभी तो हमको। तो खेल कहें ओके मुन्ना इस बार तो मुझे हैंडल करने के ना। ठीक है भैया मैं आपको हैंडल करने के कहूँ। मुन्ना यहाँ पे कोई पी पॉट की जगह कोई कैनल पर्क लगा। ओके भैया कैनल पर्क लगा रहा हूँ। मुन्ना क्या कि ये इमोबिलाइज कर देगा इनको, उस जगह मैंने कब तक लगाने को बोला है। अब इसका थोड़ा लेवल बढ़ा के क्यों। ठीक है भैया, और मुन्ना क्या कि यहाँ पे करके इसका लेवल एक और बढ़ाना चाहिए। ऊपर वाले रो का कैनल पर अच्छे से ध्यान रख लेगा। अब यहाँ पे पियाने वाला जाम भी आ रहा है, वहाँ पे किसको स्पाइक रॉक लगाना पड़ेगा एक। तो मुन्ना यहाँ आ रहा है तो तू यहाँ पे एक लगा के स्पाइक रॉक, बस टेंशन से कम हो गई तेरी। अब किसको यहाँ पे कैनल पर लगाना पड़ेगा, देखिए अभी इसको बटर फेंक के इमोबिलाइज कर सकता है। अरे भैया लूज हो जाएगा ये, और मैंने ये कैसे हुआ भैया, इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। अब भैया हम लोग कोई प्लांट नहीं यूज़ कर सकते। अरे भैया हार जाएंगे अभी, और मैंने मैं नहीं कर पाया ये, रुक जाइए भैया मेरे को मैनेज करने दीजिए। भैया चलिए वॉलनट लेने का रिस्क ले लेते हैं, वरना हमारे दूसरे प्लांट अनसेफ है भैया इस वॉलनट्स की वजह से। मना ठीक है चल मेलन पर्क को जब हम लोग यूज़ नहीं करके उसकी जगह एक वॉलनट ले ही देख, पर वॉलनट खतरा हो सकता है। हाँ भैया पर नॉर्मल प्लांट से तो अच्छा ही है, उनका डीपीएस उनका भैया हेल्थ पावर कम है। अब भैया सबसे पहले अटैकिंग प्लांट्स लगाएंगे, ना कि ये सब।
ठीक है, मैंने अटैकिंग प्लांट्स पहले लगा के क्यों, तो हम लोग इन सबको पहले लगा के हैं। अब जल्दी से एक ये लगा के, ओके अब जीत जाएंगे। ठीक है, ये गए कि यहाँ पे एक टॉर्च भी लगा गए को, मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। ये अब कर को एक यहाँ पे कैनल पुल के लेना पड़ेगा। ओके भैया कैनल पुल के ले लेता हूँ, मैंने कि किसको मार रहा है, तो यहाँ पे जगह एक तेरे को वॉल लगा लेना पड़ेगा एक। अब जल्दी से यहाँ पे ये लगा दे, लगा दे। ठीक है भैया, मैंने कि एक यहाँ पे ये वाला आके है ना, तो वहाँ पे कर को एक स्पाइक रॉक लगाना होगा। ठीक है भैया, स्पाइक रॉक लगाना पड़ेगा। पर भैया इसने प्लांट खा लिया हमारा, मैंने एक सेकेंड रुक जा बस, को इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ। रुक जा मुझे मैंने रुक जा कर, ये एक मेरा फॉर्मेशन कुछ ऐसा है, कैनल पर की जगह स्नैप ड्रैगन लेके हैं भैया। अचानक आपका स्नैप ड्रैगन लेने का क्या भैया रीज़न था? मैंने देख रीज़न मेरा ये था स्नैप ड्रैगन लेने का, कि देख देखूँ अगर स्नैप ड्रैगन का हम लोग लेके हैं तो स्नैप ड्रैगन तीन जगह पर मारता है, पर उसका कॉस्ट सिर्फ 150 है, जबकि क्रीप पेकर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं ना, ये कि कुछ ऐसे लगा दिया और इसके आगे वॉलनट भी लगा सकते हैं। तो मुन्ना अभी ऊपर से भी कोई ज़ॉम्बी आएगा तो उसको भी संभाल लेगा ये। हाँ भैया वैसे आपका आइडिया उतना भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैंने एक वॉलनट लगाना है बस इसके आगे और तेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही करके यहाँ पे भी कर देना है। ओके भैया, देखते हैं आपका भी फॉर्मेशन कितना काम करता है। मैंने इसकी जगह ये लगा कि क्योंकि स्नैपड्रैगन के इतना आगे नहीं है, कोई तेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। अब देख स्नैपड्रैगन मुझे इसलिए पसंद है, अब बस करके दो संग मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है भैया, एक संग का और वेट करते हैं। मैंने आ गया। हाँ भैया, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक ये लगा के, अरे भैया आपने इसकी जगह ये पी पॉट क्यों लगा दिया भाई? सॉरी मुन्ना, क्योंकि मुझे ये लगाना था। मैंने देख अभी देख मैक्स में भी डैमेज करता है। देख जो क्रीप पीटर होगा वो का सिर्फ देख एक, वो सिर्फ एक ही जॉम्बी को फ्रंट वाले रैंक में मार सकता है, पर हमारा जो ये वाला होगा भैया। मैंने रुक जाए, यहाँ पे एक स्पाइक रॉक लगाना पड़ेगा लगता है। ठीक है चल आप खेलते हैं। यहाँ पे एक ये लगाना पड़ेगा जिससे वॉलनट को टच भी ना कर पाइए, और हमको और भी ज़्यादा लेंस लगाने होंगे इनके कुछ ऐसे, और इनके आगे भी वॉलनट लगाना पड़ेगा। चलो अभी तो मुन्ना ऐसे कंटिन्यू करते हैं, देख के मुन्ना स्नैपड्रैगन से हो पाता है कि नहीं। मुन्ना देख मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्नैपड्रैगन का ये वाला आइडिया थोड़ा अच्छा लगता है। मुन्ना हमारा एक प्लांट खा दिया उसने। ओ नो, ये लगता है इसके लिए स्पाइक रॉक लगाना पड़ेगा, यही मार सकता है भैया बस इसको। मुन्ना स्पाइक रॉक को उसके लिए बचाना चाहिए था, अब क्या करेगा को बता। अरे भैया वन शॉट भी नहीं यूज़ कर सकते हमको। मैंने चल कोई नहीं, हमारे पास स्नैप ड्रैगन है, और भैया होपफुली पियानो वाला जो था भैया वो सिर्फ भैया एक ही दिन से आया था। ओके मैंने चल जीत गए। वाह भैया आपका आइडिया तो बहुत अच्छा था, मैंने देख मुझे अच्छा लगता है। मुन्ना मुझे लग रहा था क्योंकि क्रीपर लगा सकते हैं, लेकिन क्रीपर जो है गुरु से भले ही मारता है ज़ॉम्बीज को, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा है। पर हम लोग अगर स्नैप ड्रैगन लगाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो भैया जाएगा वन लॉट का, हम लोग उसके ऊपर से प्लांट कर सकते हैं। पता नहीं भैया मैंने पूरा रीड नहीं किया उसको।
ठीक है भैया, दिस पॉइंट इज नॉट टू प्रोग्राम, ओके प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड प्लांट भैया, वो ना ये कोई इतना सामने है, कैसे करेंगे हम भैया। देखिए इस चीज़ को करने के लिए हमको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया ऑब्वियसली ये पीछे से आने वाला ज़ॉम्बी तो है ही, ये टोस्टर वाली है भैया, उसके लिए तो फायर पावर चाहिए। तो हम लोग पी पॉट तो लेंगे लेंगे, कोई चिकन वाला नहीं आ रहा, चिकन वाले नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ कोन ही आ रहे हैं। और इसमें हम लोग इंस्का के प्लांट्स को यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल बताया नहीं है। तो मैं बाकी सारे इंस्का के प्लांट्स ले जाता हूँ, इंस्का के छोड़ो, चेरी बॉम्ब रखता हूँ, सिर्फ ये रखता हूँ, इसको हटा दो, इसको रखते हैं, बस अब खेलना चालू करते हैं भैया। मन्ना कुछ श्योर है क्या इसके बारे में? भैया बहुत श्योर हूँ मैं। अरे भैया एक सेकंड भैया, मैंने कहा कोई सन प्रोड्यूसिंग प्लांट लिया ही नहीं मैंने, एक बार बिना इसके ट्राई करके, ठीक है अब काफ़ी रहेगा। चिली बीन देख कर तो चाहिए होगा, क्योंकि अगर पीछे से वो ज़ॉम्बी आ जाए, तेरे पास कोई स्प्लिट भी ना हो, तब कुछ इसके लिए चिली बीन लगा सकता है। तो स्प्लिट भी को हटा दे, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो नहीं है, उसकी जगह डबल सनफ्लावर रख दे। मैंने अब खेल, मेरे को लगता है कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, देखा जाएगा जो होगा, चल करते हैं। पर मैंने इसका अच्छा बात यह है, हमारे पास सनफ्लावर डबल सनफ्लावर लगाने का स्पेस बहुत दिया है, तो हम लोग ये बहुत आसानी से संग वाला टेक्निक कर सकते हैं। और वो तो अच्छा ही ऊपर से ही आ रहा है, तो मेरा बॉन्ग चॉय संभाल लेगा इसको। अरे भैया इसलिए आपने बॉन्ग चॉय को दिया था क्या? भैया एक्चुअली मुझे बॉन्ग चॉय, मुझे बॉन्ग चॉय घर चाहिए, इसको मैं चिली बीन से उड़ा डालूंगा, और इसके लिए पी पॉट सही नहीं रहेगा। ओह नो, ये हुई ना गड़बड़, अब क्या करूं? चलो इसको इसको खाने देते हैं, अब मेरे पास चिली बीन आ गया है, अब इसको इसमें डाल देता हूँ, मैं दो दो बॉन्ग चॉय लगा दूंगा इसके लिए, ये हुई ना बात। अरे मेरा ये खा रहा है, ये बहुत गंगा ज़ॉम्बी लगता है। ओके एक मुझे यहाँ पे एक पी पॉट की ज़रूरत है, और नीचे के जगह मैं, और मैं कोन हट के लिए चिली बीन लगा दूंगा, ये वादा। चलो बच गए, और एक ही ज़ॉम्बी आ रहा है, उसके लिए मैं कुछ को कर ही दूंगा। अच्छा है, मेरी चिली बीन भी एक्टिव हो जाएगा, मैं बॉन्ग चॉय लगा दूंगा यहाँ पे इसके लिए, ये अच्छा है। अब मेरे को बस चिली बीन चाहिए, और वो भी मेरा एक्टिव हो गया, पर मुझे लगता है इसको लगाना बहुत अच्छा रहेगा। ओके अब मैं मुश्किल में पड़ चुका हूँ, ओके एक ही घर लगाना पड़ेगा। ओके एक चल ही गया मेरा लॉन्ग मोर, चलो कोई नहीं, मेरा बॉन्ग चाहिए इनको संभाल लेगा पीछे से, इसको मैं चिली बीन से मार डालूंगा। अच्छा है, अब मेरे को यहाँ पे प्लांट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे सबसे कम होंगे वहीं पे लगाना चाहिए मेरे को ज़्यादा, और मैं चिली बीन के पीछे लगा देता हूँ इसको, मिडिल लाइन से जाकर कर अभी कोई आएगा भी नहीं। ओके ये लोग जितने भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को एक बॉन्ग चॉय चाहिए। मन्ना बोल क्या ऐसा है सेटअप, बच जाएंगे ना? सही कहा भैया, बच जाने का भैया लगता है बच जाएंगे, देख कर क्या होता है। अरे भैया हमारा इंडियन प्लांट खा दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसमें तो। कोई नहीं भैया, ऐसे ऐसे रूल्स में भैया मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए आपको, मैं क्या करना है मेरे को। भैया आपकी चॉइस को सही थी, पर भैया आपने कुछ मतलब भैया आपने भैया एकदम गलत पैटर्न में लगाया था सनफ्लावर भैया प्रेस करके, उसके बाद भैया आपको चिली बीन के लिए सेव करना चाहिए, और भैया अब आप
इसको लगाइए, उसके बाद एक और चिली बीन के लिए सेव कीजिए, एक और सेव कीजिए और इसको लगा डाल दीजिए। अब भैया अब आप नॉर्मल सनफ्लावर लगा के जाइए, पर भैया चिली बीन के लिए एक एक्स्ट्रा रखिएगा। और भैया अब आपके पास डबल सनफ्लावर जब आके जा रहे हैं भैया धीरे धीरे, तो भैया सन की कमी आपको रह नहीं जा रही है। भैया आप कभी भी चाहे तो अब ये चिली बीन लगा सकते हैं, तो ये है सही मूवमेंट। अब भैया लगा कर दिए है, अब भैया यहाँ पर एक टॉर्च वॉर्च लगाइए और यहाँ पर एक पी ए वाला लगा लीजिए। और भैया इसके लिए फिर से सन वो वाला सेव कीजिए। और भैया अब यहाँ पे जैसे ही पास करें इसके लिए बॉक्स लगा कीजिए भैया, बॉक्स इसको उड़ा डालेगा यहाँ से। और इसके लिए भैया यहाँ पे ये और बॉक्स ये भैया इसको उड़ा डालेगा, ये भी डेडली कॉम्बिनेशन है। अब भैया यहाँ पे एक लगा खींच सकते हैं, या तो चाहे तो यहाँ पे एक चिली बीन भी लगा सकते हैं, पर भैया वो ऑब्वियसली उसके लिए नहीं था। एक बॉक्स लगा कीजिए भैया और इसका खेल का काम। अब बॉक्स होगा भैया तुरंत रिमूव करके उसकी जगह जल्दी जल्दी से लगा दीजिए भैया, मतलब को बहुत अच्छा कर रहा है लगता है। अरे भैया मैंने ध्यान ही नहीं किया इन्होंने हमारे ये खा दिया। भैया मैं एक और बार कर रहा हूँ, पर भैया इस बार मैं ध्यान देकर करूँगा, मुझे वॉलनट का भी ध्यान रखना है। मैंने वॉलनट का ध्यान नहीं रखा भैया, सही कहा मुन्ना। भैया आप मुझे वॉलनट का बगाइएगा, मैं अपना लगा रहा हूँ, आप मुझे वॉलनट का बगा दीजिएगा। जब भी वॉलनट खा करें हमें मुझे बस बगा दीजिएगा, ठीक है वरना ये जाओ फिर मेरे को देखो मैं बता दूंगा तेरे को कोई ज़ॉम्बी अगर उस वॉलेट को खाएगा। अब के सबसे ऊपर सरका के रख, तो मैं फिर से ध्यान रखता हूँ। मैंने कहा एक वॉलेट था, अच्छा किया भैया बका के, मैं भूल गया था उसके बारे में। ओके तो मैं वो वाला ही करेगा आजमाता हूँ, एक सेव करके रखना उसके लिए, दूसरे के मुझको सनफ्लावर लगा के जाने हैं। एक इसका डबल सनफ्लावर लगा देना है और एक इसके लिए सेव करना है, फिर से एक सनफ्लावर इसका लगा देना है, फिर एक चिली बीन इसके लिए लगा देना है। मैंने यहाँ पे जो बॉक्स चाहिए होगा एक, और यहाँ पे एक ये मैंने यहाँ पे करके बॉक्स चाहिए और करके अरे भैया ये है, मैंने अच्छा किया देख के। चल मैं यहाँ पे ये भी लगा देता हूँ, मैंने इसके लिए कुछ चिली बीन लगा के ना, नहीं भैया चिली बीन इसके लिए चाहिए होगा मेरे को, तो मैंने इसके लिए कुछ ये लगा के और इसके लिए ये लगा के। ओके अब इसको स्किप कर दिए, मैंने स्किप कर दिया अभी इसको। अब मैं इसके लिए एक ये लगा के कहूँ देख अच्छा रहेगा ना। हाँ भैया बहुत अच्छा है, बच भी नहीं पाएगा भैया ये को, मैंने हम देख के गंगा ज़ॉम्बी है, मैंने डबल सनफ्लावर खा रहा है। ओ नो भैया इसके लिए चिली बीन लगा देंगे, कोई नहीं चिंका की ज़्यादा बात नहीं है, डबल सनफ्लावर खाने नहीं गएंगे भैया इसको हमारा। चलिए ये हुई ना बात, अब भैया बस थोड़े से संग और चाहिए मेरे को। भैया उसको जाने दीजिए, हमारा बॉक्स वैसे वैसे भी मरेगा, बस मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए होगा इसके लिए। यहाँ पे लगा के मरना, वो तो वैसे भी मर जाएगा, इसके आगे हम लोग ये लगा देंगे और मना क्या कि इसको हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वैसे भी ये कूद जाता है। मैंने कहा हमारी स्पाइक विट की एक रो लग चुकी है ना, तो मन्ना अब देख के को क्या करना होगा। डबल सनफ्लावर्स का धीरे धीरे हटाने लग और इनकी जगह पीपॉट लगा के टॉर्च वॉर्च लगाने लग। मन्ना आप कर के यहाँ पे करके ये वाला लगाने पड़ेंगे, ये वाले, और क्योंकि यहाँ पे करके इनकी एक और लाइन लगानी पड़ेगी, समझा समझ गया भैया। देख कभी करे डबल सनफ्लावर वैसे भी जा रहे हैं, मुझे इनको जाने देना है क्योंकि चिंता नहीं करना है इनके बारे में। और जहाँ पे रो कमज़ोर हो के भी एक ये लगा देने हैं तेरे को। अरे भैया ये हमारा खा गएगा, और मैंने ध्यान नहीं किया, सॉरी वेरी सॉरी मुन्ना। कोई नहीं भैया
बस हमारा फाइनल वेव आने वाला है, तब तक ये सेफ रहे। कहाँ पे ले जाऊँ इसको? कोई सब ज़ॉम्बीज ही है। ओके 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 बच गए। मैंने सब जगह से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं भैया। एक चिली बीन से इसको उड़ा के आ दीजिए, उसके बाद भैया इसके आगे वॉलनट लगा दीजिए। मैंने वॉलनट के आगे भी बॉन्चर लगा के, हाँ भैया, और इसके आगे कोई भी एक प्लांट लगा दीजिए भैया बचाने के लिए। भैया फाइनल वेव में भैया इस वॉलनट को बस सेव रखना है, बाकी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मैंने क्या कहा रहा है? हाँ भैया, अरे भैया फिर से गेम करप्ट हो गया था, पता नहीं क्या होकर है कल। छोड़ दीजिए भैया उन सब चीज़ों को। मैंने क्या कर को जितना ज़्यादा फायर पावर हो सके उतना फायर पावर लगाना है। मैं कहूँ केर को यहाँ पे एक वो ही लगा देना है, देख केरे लॉन्ग ओवर यूज़ होंगे तो होने के, पर हम लोग इसको हार नहीं सकते। मुन्ना फाइनल वेव में इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ कर ले तू, ठीक है भैया? प्लांट फूड यूज़ कर दिया। अब मुन्ना बस करके ये लगाना है और इस पर एक लगाना है और इस पर लगाना है, बस प्लांट फूड। और कुछ जीत गया, क्या ही बात है भैया, आपने को भैया इतना अच्छा गाइड किया मेरे को, बहुत अच्छा भैया। हम लोग ऐसे ही करके रहेंगे बस लेवल्स को, और भैया फिर हमको प्लांट भी मिलकर रहेगा। भैया मेरे को कोई हायर डिफेंसिव प्लांट चाहिए जो है टॉलनट, जो कि अब दो लेवल में मिलने वाला है करके हैं। मैंने कहा कब ज़ॉम्बीज़ को ट्रैम्पल नहीं करने के ना फ्लावर्स को। ये भी भैया बीचों बीच है, मुश्किल को होने वाली है भैया, पर उतनी भी जगह नहीं। मैंने कहा इस बार हम लोग एक दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ जाने पा रहे हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी भैया? मैंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी है ये वाली इंस्टा किल प्लांट की स्ट्रैटेजी और बॉम्ब चौरीस वाली स्ट्रैटेजी। भैया मेरे को नहीं लगता ये कोई ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैंने कहा कि जरूर हेल्पफुल होगा। भैया आपने कोई पीस रोटा नहीं दिया भैया? मैंने पीस रोटर मैंने दिया नहीं वैसे, सही कहा तुमने। चल मैंने इसको हटा के ये लग गया पी पॉट रख लिया। मैंने कहा कि इसमें बहुत एकदम परफेक्ट चीज़ें हैं, अब देखना मैं इनको कैसे बका रहा हूँ। इन सब चीज़ों को मेरे पे छोड़ा करिए जो बोनस लेवल्स होते हैं, इनको को मैं ऐसे करता हूँ। देख मैं इसलिए मैंने बहुत सारे इंस्टा की प्लांट भी दिए हैं, ऐसे बहुत सारे को नहीं हैं दो ही हैं, लेकिन चलेगा फिर भी। सबसे पहले मुन्ना कैप को यहाँ पे एक ये लगाना है और मुन्ना यहाँ पे करके स्नैप ड्रैगन लगा देना है, और इसके देखो कोई ये लगा ही सकता है ना। अरे भैया आपने स्नैप ड्रैगन लिया ही नहीं, चल कोई नहीं मुन्ना स्नैप ड्रैगन लिया लिया तो कोई नहीं बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर हम लोग प्लांट करके कहें इसको, और आप इसको स्लाइड करके रहेंगे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। अच्छा है, और पी पॉट को लगा के रह सकते हैं हम तो यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। अरे वाह भैया अच्छा स्ट्रेटजी है आपका भी, मैंने कि टोस्टर वाला है। अरे भैया ये क्या भैया ट्रैम्पल कर दिया पहले ही, मैंने लगता है ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, एक बार रिट्राई करना पड़ेगा हमको। रुक जा कुछ और सोचने के, स्नैप ड्रैगन हमको लेना पड़ेगा इस बार, ये पी पॉट से काम नहीं चलेगा मुन्ना। सही कहा भैया पी पॉट से काम नहीं चलने वाला है, पर भी एक लॉन्ग रेंज का भी कुछ लेना पड़ेगा ना। मुन्ना अब एक ही चीज़ कर सकते हैं क्या भैया? मुन्ना इस नॉर्मल सनफ्लावर को हटा के और इसकी जगह कुछ स्नैप ड्रैगन ले दे। भैया मेरे को लगता है आपका सिचुएशन आपका भैया ये डिसीजन भैया भारी पड़ने वाला है। मैंने बस मेरी बात सुन ले तू, चिंता मत कर कुछ नहीं होगा। हम मैंने सनफ्लावर की कम दिक्कत होने नहीं ज़्यादा होनी नहीं चाहिए हमको ज़्यादा दिक्कत सन की, क्योंकि डबल सनफ्लावर फिर भी है हमारा। और सबसे पहले क्या करेंगे भैया? मैंने भैया सबसे पहले ये लगाऊंगा और इसके आगे वॉलनट।
अरे मैंने गलत कर दिया, चल कोई नहीं, रिमूव कर देंगे इसको बाद में। एक चीज़ भी चाहिए, मैंने रुक जाए, इसका हम लोग थोड़ा पीछे कर देंगे इस सिस्टम को, और मुझे इसके आगे बस ये लगाना था बस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कर दूँगा। अच्छा है, यहाँ पे लगा देगा हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा है, चलो यहाँ पे लगा के जाता हूँ। हायर ज़ॉम्बीज जो यहाँ का पावरफुल ज़ॉम्बीज हैं, इनको पहले एलिमिनेट करके जाता हूँ और इनको लगा कर जाता हूँ। ओके, प्लांट फूड मिलता है तो उनको भी दे देता हूँ, और ये चिली बीन भी इसके लिए लगा के ना चाहिए क्योंकि इसके पास टोस्टर है। अब यहाँ पे एक लगाता हूँ, और इसके लिए भी एक स्नैप ड्रैगन दे देता हूँ, पर यहाँ पे ये वाला है कोर्डनेट वाला, तो इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रख लूँगा इसको। अच्छा है, अरे भैया वो कर गएगा भैया स्टेप, अभी क्या कर रहे हैं। ओए सोना, सॉरी मन्ना, रुक जाए, एक चेरी बॉम्ब लगाना पड़ेगा इसके लिए तो। ओके मन्ना, चेरी बॉम्ब का रेंज इतना था कि उसने इस वाले को भी मार दिया, बहुत अच्छा है। चल भैया, बुल वाला ज़ॉम्बी अभी गिक कर देगा, उसकी स्पीड आपने कही थी ना, अगर वॉन लटना होता हो घर को, आपको आपका काम तो हो ही जाता भैया। और मन्ना इस वॉन लट को हटाना, मैं इन ज़ॉम्बीज को खाने गए वॉन लट को। ठीक है भैया, ज़ॉम्बीज को खाने गूँगा इन वॉन लट को, मना खाने गए ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्पाइक रूट लगाएंगे इनके लिए। तब तक कुछ स्पाइक रूट लगा के, स्पाइक रॉक लगा के जा। ठीक है भैया, स्पाइक रॉक लगा के जाता हूँ। मना कि कब तेरा थोड़ा अच्छा काम कर रहा है भैया, बकेट हट के तो क्या करेंगे, मैंने ऑब्वियस चीज़ें भी नहीं रखूँगा। बस हो गया इसका जुगाड़ भी, बस मुझे एक संगार चाहिए बहुत अच्छे। अब इसके लिए टोस्टर वाले के भी जुगाड़ हो गया, अच्छा है। और इस वॉलनट को खाने के हैं, वैसे भी अभी ज़रूरत नहीं है, उस वॉलनट में कोई आ नहीं रहा उतना, और इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। वैसे भी इसके पास टोस्टर था, और टोस्टर इसके पास भी है, तो एलिमिनेट करना बनता है इसको भी। अब मना के पी बॉट भी है, तो पी बॉट को आपके वो सबसे आखिरी वाली लाइन में मैक्स कर देना है। देख के जा मना, कोई कितना तगड़ा हमारा डिफेंस बनेगा ना, कोई छू भी नहीं पाएगा भैया। ये वॉन लट अगर टूट गया तो क्या होगा, मैंने उसी से को कह रहा हूँ रिस्क लेना ही नहीं है, सबसे पहले इस वॉन लट को एक्सचेंज करके और इसके आगे ये भी लगा के, बस हो गया। अब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैंने ये देख अभी तक कोई भी पार नहीं कर पाया हमारे इसको को, और अभी तक कोई कर भी नहीं पाएगा क्योंकि मैं इस पर डाल रहा हूँ पी पॉट पर, और पी पॉट को भी इसकी तरफ मूव करवा दूँगा। अब किस पे करूँ, ओके इस पे करवा देता हूँ, टोस्टर वाली है ना। ये ले, मज़ा आया तेरे को भैया, फाइनल है भाई, क्या मैंने लगता को है इस पे मार के क्या है भैया, सन्नी मिलेंगे थोड़े से, मैंने जीत गए, देखा मुन्ना को ने। अरे वाह भैया, ये वाली स्ट्रेटजी भी अच्छी की भैया आपकी, तो आप भी भैया धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छे होकर जा रहे हैं। मैंने कोई नहीं, मैंने कि लाइटनिंग ग्रिड के मिल गया, अभी अपडेट भी हो सकता है। चल मैंने पहले लाइटनिंग ग्रिड्स को अपडेट कर देते हैं। हाँ भैया सही कहा, उसका प्राइस ज़्यादा नहीं होगा भैया, क्योंकि वो इंस्टा की प्लांट नहीं है भैया, मतलब भैया कोकोनट कैनन जैसा कोई एक्सपेंसिव प्लांट नहीं है उससे भैया। इसके लिए 100 से 200 कॉइन्स लगेंगे भैया, अब मैंने इसे 1000 कॉइन्स लग रहे हैं, 100 से 200 की क्या बात कर रहा है तू। अरे भैया इतना प्राइस कब से हो गया भैया अपडेट करने का, इसका भी 1000 है, इसका भी 1000 है, इसका 50 है, मैंने 50 कैसे हो सकता है, तो इसका 1000 क्यों है भैया, पता नहीं भैया, इसका 50 है, इसका 1000 है, जबकि प्राइस दोनों का सेम ही है भैया, पक्का कुछ कहा भैया, तो मैंने इसी को अपडेट करूँगा मैं तो।
और किस चीज़ कंप्लीट कर सकता है कुआ का? और भैया किसी चीज़ कंप्लीट करने की उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। मैंने लाइटनिंग ग्रिड कंप्लीट करना चाहिए क्या? नहीं भैया, उसके एक बार से ही सब लोग मरते हैं, तो अपग्रेड क्यों करें भैया हम उसको? मुन्ना के इसको ये आ रहा है को लाइटनिंग ग्रिड की स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे इसमें। सबसे पहले मुझे ग्राउंड भी देखना होगा। चलो कोई नहीं, वॉलेट ले देते हो, क्योंकि अब इस केज के बाद शायद करके टॉयलेट मिल जाएगा फिर अगले केज में। पीपॉट ले देते हो, वैसे उसकी जो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब स्नैप ड्रैगन के साथ खेलेंगे। इसको ले दे। और बचा क्या? ओके ये बचा है, चेरी बॉम्ब ले दे फिर। अब खेल गए हैं। उन्होंने एक लास्ट स्टैंड था। अरे हाँ भैया, लास्ट स्टैंड था ये तो। मैंने कहा कि पीपॉट को अपडेट करना बहुत भारी पड़ जाएगा, तो मैंने आपको मुझे फिर दोबारा से रिस्टार्ट करना है इसको, लेकिन मुझे नहीं पता कल लास्ट करेंगे ये। भैया मेरे को भी नहीं पता कल लास्ट करेंट था। प्लांट डिविजन अच्छा हो गया, हमने गे खा नहीं खा इसको। अब करते हैं भैया, मैंने फिर का मेरा अलग प्लान है इसके लिए। वन लट को चाहिए मेरे को, कोई एक्सपेंसिव वाले प्लांट को यूज़ नहीं करेंगे हम। चल ठीक है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पर हालांकि मुझे लगा हम लोग चेंज कर सकते हैं। मुझे इनकी एक लाइन लगा देनी है पूरी, एक ये लगा देनी है वॉलनट, बस ये वॉलनट। और इनकी ये को लगेंगे नहीं क्योंकि बहुत महंगे हैं। हाँ भाई बहुत महंगे हैं मिलना, तो इनकी जगह एक ये लगा के कहें। स्नैपड्रैगन में पूरे में नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी थोड़ा महंगा है। हाँ मुन्ना पूरे में नहीं लगेगा, चार लाइन में लग सकता है, तो स्नैपड्रैगन को यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि मुन्ना के ये तीन रेंज में अटैक करता है, तो यहाँ तक सही रहेगा इसका। और इनको लगा के कहें क्योंकि सस्ते हैं ये। बस मुन्ना अब काफ़ी रहेगा, हर रेंज में चीज़ें आ गई हैं। ठीक है मुन्ना, मेरे को लगता है काफ़ी है ये को। चलो अब रॉक करते हैं। तीन प्लांट हो गया इस बार, अच्छी बात है, लगता है थोड़े हार्ड जॉम्बीज भी आएंगे। ओके भैया चिकन भी आ रहे हैं, मैंने उस जगह मैंने एक लेन लगाई है इनकी, चिकन के लिए मैंने लेन लगा रखी है इनकी। मैंने देखा हमारा पीस होटल्स भी हैं यार। हाँ भैया पीस होटल्स भी हैं। मैंने थोड़ी देर में इतने सारे आ गए जॉम्बी। भैया आप बस इनको कंट्रोल कीजिए। ये गेक आ रहे हैं ये तो, मैं इनको एलिमिनेट करके जा रहा हूँ। ये गेक, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ओके ये भी जाएगा अभी, बहुत अच्छे, कोई बच नहीं पाएगा। ठीक है मुन्ना, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस हमको वॉलेट को अपग्रेड करना है, पर हम लोग अभी नहीं करेंगे। मेरे पास एक अपग्रेडेशन का कॉस्ट है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वॉलेट को अपग्रेड करने का, अभी करता हूँ इस पर। बहुत अच्छा था। अरे भैया हमारा लाइटनिंग ग्रिड उसने खा दिया, आप क्या बोल रहे हैं? चल मना कोई नहीं, हमारे लॉन्ग मोज अभी भी हैं, कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है मुन्ना। भैया आप सब कुछ सही चल रहा है कैसे बोल सकते हैं? देखना मुन्ना एक ही साइड काटी जिसके लिए हमारे पास वन लट था इमरजेंसी में। चल अच्छा है, अब ये वन इन पे लगा के कहें ना, अच्छा रहेगा ना। और इस पे लगा के कहें, बस हो गया, बस गेम खत्म, मिल गया टॉयलेट। वाह भैया क्या सोचा है भैया, भैया ऐसे बोनस है उसमें का आपका जवाब ही नहीं। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। हैवी ड्यूटी वन नॉट डेट ब्लॉक्स लो फ्लाइंग जॉम्बीज। ओके भैया लो, जो भैया धीरे धीरे फ्लाई करता है उनको को रोक सकता है, और भैया कोई जंपिंग वाला जॉम्बी इसके ऊपर जा नहीं सकता शायद भैया,
भैया इसमें तो कोई पोल वॉकिंग या फिर डॉल्फिन ज़ॉम्बीज़ हो क्या नहीं है, जो प्लांट ज़ॉम्बीज़ थे, प्लांट ज़ॉम्बीज़ में थे, मैंने 2000 से ज़्यादा सन नहीं स्पेंड कर सकते। चलिए भैया 2000 है, काम बन जाएगा हमारा। भैया लास्ट टाइम तो नहीं है, कभी टॉर्नेट हमको लेना है भैया। इसका एक्चुअली इसको लेने का कारण है भैया, ये भैया बहुत ज़्यादा वैसा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा भैया इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल वॉलनट से। भैया वॉलनट की जगह आज हम लोग हमेशा के लिए टॉर्नेट को यूज़ करने वाले हैं, हमेशा के लिए वॉलनट की जगह अब टॉर्नेट ने ले लिया है भैया। हम मैंने क्या बोल रहे हैं भैया, मैं कह रहा हूँ इसलिए मैंने चिकन वाले से हम इसका आ नहीं रहे, पर ये टोस्टर वाले आ रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा फायर पावर चाहिए, तो पीपॉट ले सकते हैं, लेकिन ये इनका ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हम लोग इनको फुल लेवल पे को नहीं कर सकते, तो ये ले सकता हूँ और ये ले लेते हैं, बस अभी इनसे ही खेलने वाले हैं हमको, और संघ को ले लेते हैं, संघ प्रोड्यूस भी को करना है, एक इसका किसका भी ले लेता हूँ, क्या ही जा रहा है वो बुट, ये वाला ज़ॉम्बी आ रहा है, लेकिन मुझे इसके लिए ये वाला सही लगेगा। ठीक है चल देखते हैं, ओ भैया आपको कोई प्लांट भी को यूज़ नहीं करना है, अरे मैंने ये कमरे नहीं देखा, फिर कम को ये लेना पड़ेगा, पर हम लोग इतने कम में कैसे कर सकते हैं। तो ये आप सनफ्लावर आगे की तरफ प्लांट करने लग जाइए, क्योंकि भैया अगर आपने आगे की तरफ प्लांटिंग को नहीं किया तो भैया वो कूदने वाले ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जो फिर भैया आपका काम कमा को कर ही देंगे भैया। तो भैया टॉयलेट का भी यूज़ कीजिएगा भैया प्रोटेक्ट करने के लिए इनको। हाँ मुन्ना मैं इनको भी स्पेंड करके क्या हूँ, चलो अरे भैया गेम को करप खोटा ही रहता है, चलिए छोड़िए। ओके भैया टॉर्च वर्ड नहीं लगा सकते अभी को, मैंने अभी कोई डिफेंसिव प्लांट लगाना पड़ेगा, चल जैसे टॉर्नेट, अब भैया इसके पीछे टॉर्च वर्ड लगा के ये कर दीजिए। और भैया सन्स भी हम लोग सनफ्लावर्स भी एक लिमिट तक लगाएंगे भैया, ये नहीं है भैया कि एकदम ही लगाना चालू कर देंगे भैया, हम लोग एकदम लिमिट में लगाएंगे भैया। इनका भैया प्राइस कम होता है उसे भैया मैं इनको लगा रहा हूँ। अब ये टॉर्नेट हर टॉर्च वुड के पीछे मुझे लगाना है, वरना तो भैया सही वाली गड़बड़ हो सकती है। नहीं हमारा डबल सनफ्लावर खा लेगा भैया, खाना कीजिए ना, क्या ही जा रहा है, मना रुक जा इसको मारना पड़ेगा। भैया अब गए, चल कोई नहीं फाइनल मोमेंट पे ये आ गया, क्योंकि भैया सन्स का बहुत है हमारे पास। तो एक पीस उठा के बिजली लगा के क्या भैया पीछे क्या बोलते हैं आप, ठीक है मुन्ना तू अगर बोलता है तो एक पीस उठ करके भी देने लगा देंगे। कहीं पे टॉर्च वॉर्च लगाएंगे भैया, कहीं पे नहीं लगाएंगे मुन्ना, कि हमारा एक प्लांट लूज होने को आया है और भैया टॉर्च वॉर्च हमारे खाई डालेगा भैया, इसको मारना पड़ेगा अभी मारना पड़ेगा अभी क्या अभी, मना इस रेंग में बहुत ज़रूरत है, तो मैं काम करूँगा इस रेंग में थोड़े लगा दूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। ओके देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं, अभी तो फाइनल वेव भी नहीं आई, ओह नो बहुत डिफिकल्ट है तो। मना हमारे ये खा गएगा, ये गड़बड़ है भैया, प्लांट फूड यूज़ करना ही पड़ेगा भैया। मैंने एक आइडिया आया मेरे को इसके ऊपर यूज़ कर गए, और देख अब इसका कर गए ऐसे, भैया हमारा ये लूज हो जाएगा भैया, अब एक भी लूज नहीं कर सकते। और मैंने ये देख, हाँ भैया ओ ना भैया लगता है कोई प्लांट लूज हो गया, मैंने कैसे करे
अरे भैया चलो ये कोई नहीं, मैं इसको अब मैं भैया देखेंगे भैया अगले एपिसोड में। पर भैया अभी के लिए 1 लाख तो मिल चुका है 1 लाख हमको, पर कोई नहीं तो आज के देखना ही, अब अगली बार मिलेंगे। मैंने ठीक है चल बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो, मजाक कर रहा था। और मैंने क्या बोल रहा है, तू मजाक कर रहा है। हाँ भैया मैं उस मजाक में बोला, कहीं पर का चले हमारे व्यूअर्स पहले ही चले गए, अभी जाना नहीं है, वीडियो बहुत बाकी है भाई, हम लोग इवेंट्स को करेंगे ना। अच्छा मैंने इवेंट्स की बात कर रहा है। हाँ भैया ये भैया बीच बीच में टाइम पास करने के लिए हम लोग इवेंट्स खेलते हैं, तो भैया आज भी खेलेंगे। मैंने लाल कलर का वॉलेट किया है, क्या इसके पास बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है। अरे भैया गलत बोला, ये फटता है भैया जब ये कोई इसको खा लेता है, जैसे इसको देखिए क्या होगा भैया। अभी इसका अच्छा वाला हाल, भैया इसका हाल ख़राब होने वाला है, भैया इसकी हालत ख़राब होने वाली है भैया। 5 सेकंड में हो गई, मैंने इसको भी कर देना हालत ख़राब, इसकी भी कैच पल के देना पड़ेगा। कहाँ पर डाल, मुझे दिखा डाल के कहें, चलो बूम काम ख़त्म, पैसा आ जाऊँ मना बूम। हाँ भैया बूम, भैया यहाँ पे लगाइए। और मैंने क्या किया, रैपिड फायर पंच मार का है ना, उसी से हम लोग बच जाएंगे इससे। गया मन्ना, क्या फनी है भैया, बॉम्ब चौकी की पीछे देर लगानी होगी। बूम अरे भैया कितना फनी है ये, बूम मतलब बहुत इजी लग रहा है मेरे को तो, ये इतना भी कुछ इजी नहीं है भैया। बूम बूम ओके भैया बहुत अच्छा है अभी तक तो, पर अब अच्छा नहीं होगा। अरे भाई कोई एक्सप्लोर करना मिलता ही नहीं, हालांकि क्या ख़राब हो गए हैं, अब ये करना पड़ रहा है। मगाओ भाई, ओके कम से कम एक को मिला, पर मैं इधर लगाऊंगा इसको ना कि इधर। अब इधर लगा के कहें, अब इधर लगा के कहें, ओके इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, खा ले इसको, खा सकता है। तो मैंने इसको खाने से पहले इसको उड़ा डालते हैं। हाँ भैया उड़ा डाल दिए, मैंने जीत भी गए, क्या ही भैया एकदम ही ईजी से खा। अब मैंने नेक्स्ट इसका टाइम इजी नहीं होगा, देखिए अब एक्सप्लोरर नट हो गया भैया, इम्प्रूवमेंट है भैया। बजन बजन भैया बबजन बस इसके कहें भैया, क्या है ये ना मुझे समझ नहीं आया इसके नाम से थोड़ा। ओके भैया भैया प्लान भैया, ये भैया कोई भी जॉम्बी भैया उसके पास कुछ ऐसी होती है भैया जिससे वो वीक रेजिस्टेंस या फिर इम्यून टू डैमेज फ्रॉम, मतलब एक ही भैया कुछ प्लांट की फैमिली से भैया, अपीजमेंट फैमिली यानी पीस वर्कर की फैमिली से हो सकता है कोई प्लांट बहुत वीक हो उसके खिलाफ, एक गो शॉट में मर जाए, पर एक हो सकता है जिसको 10 से 20 शॉट लगे और एक का भैया कोई डैमेज नहीं खाएगा उससे, ऐसा हो सकता है भैया। देखते हैं भैया कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है भैया। मतलब लाइटनिंग ट्रीट भी तो लगा के जाए, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रेव हमारे लिए कोड़ेगा। देखते हैं भैया ये इम्यून है या फिर ये है, मैंने तो बहुत ज़्यादा वीक था इसके खिलाफ। हाँ भैया बहुत वीक लगता है, देख क्या भैया इम्यून है या फिर वीक है, मैंने ये थोड़ा सा दिमाग डर लगता है। देख क्या भैया लगता है कि बहुत वीक था भैया, ये वाला बहुत स्ट्रांग नहीं लगता भैया, नॉर्मल लगता है भैया। अभी तक कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मिला भैया मेरे को, देखिए भैया जो मिल रहे हैं वो, देखिए भैया एक कोऑर्डिनेट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। मैंने अभी तक कोई ऐसा तो नहीं मिला जो
प्लांट की फैमिली से डैमेज नहीं खाता वो। ओके 5 रैंक की ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी 5 रैंक कंप्लीट हो गई है। ओके भैया जब क्या वो वाला पिछले करके डैमेज से इम्यून था भैया। भैया प्लांट फूड और मुन्ना ये इम्यून है इससे। अरे हाँ भैया ये तो इम्यून है, इस पर प्लांट फूड का यूज़ करके भी कुछ नहीं होगा, तो इस पर प्लांट फूड यूज़ करिए भैया। और मुन्ना मुझे पता नहीं गया इम्यून है इससे, पर भैया हमारे लाइटनिंग ब्रिज ने बचा लिया भैया। और इसका प्लांट फूड भी ओपी है भैया, तो जी बच गया भैया, बस थोड़े से बचे हैं भैया थोड़े से, वरना का भैया गए थे हम। मैंने ये भी इम्यून लगता है, चल इसके लिए इस पर यूज़ कर लेते हैं। नहीं भैया इम्यून नहीं था वो, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उससे भैया, रेजिस्टेंट था भैया कह सकते हैं, इम्यून नहीं था भैया। ओके भैया ये भी बहुत इजी था, अब देखते हैं चलिए वर्ल्ड क्विज देखते हैं। अनलॉक विंटर मेलन, ओके 6 लेवल के बाद है। हॉट पोटैटो, ओके फ्रॉस्टबाइट केव से होता है। फ्रॉस्टबाइट केव का हम लोग वाइल्ड क्विज के बाद करेंगे, हम लोग एल्गोरिथम नहीं कोडेंगे भैया इसका। मतलब पूरे केक भर रखे हैं ये वाले, क्या करेगा तू अब। अरे इसका क्या करूं मैं, ओके ग्रे बस्टर खे, मैं डर गया था अभी भैया। होमिंग किसेस बहुत काम का है, मैंने करके गया है भैया, किसी भी लेंग में शूट कर सकता है भैया, पावरफुल भी है ये। लगता है इसके लिए पर्टर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है अभी तो इसके लिए भी पर्टर हमें लगाना पड़ेगा लगता है। ठीक है भैया देखते हैं हर गो के गैप में इसको लगा के कहें, क्योंकि अभी ये को मिल ही रहे हैं तो। ओके पर्टर कमें की वहाँ पे जरूर रखने की जगह, ओके पर्टर कमें यहाँ पे फट जाएगा, अच्छा हुआ जो फट गया। ओके इस वाले को भी रिमूव करते हैं, मतलब कि यही था क्या प्रीमियम, हाँ भैया ये प्रीमियम है। ठीक है भैया उतना भी कुछ अच्छा नहीं है भैया, हो सकता है लेवल 1 का है उसलिए हमको ऐसा लग रहा हो, लेकिन भैया उतना खास मेरे को नहीं लगा ये भैया, मेरे को नहीं लगता पटा कमाई का कभी भी यूज़ होगा भैया। पटा कमाई चलिए रख ही रखे हैं, फिर भी रख लेते हैं इनकेस, ना पेट्रोल कमाइन का इधर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है, ज़रूरत नहीं की भैया इसकी भी, मैंने चल ठीक है इनको कमाने में काम आ ही जाएंगी ना भैया, इनको मारने में काम आ सकते हैं। नहीं भैया अभी भी काम नहीं आएंगे, चलिए काम आ गए। मैंने कि बहुत सारे आए हैं, हाँ भैया वैसे ही मर ही जाएंगे मेरे को पता है, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा फायर पावर है इनमें। और ये बकेट हेड वाला है, इसके लिए भैया लगता है पटा कमाइन का चाहिए ही होगा, नेसेसरी है भैया बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैया बकेट हेड वाले को मार रहा है। एक और बकेट हेड, ओ नो, चलिए यहाँ पे लगा के कहें, यहाँ भैया लगा के कहें बकेट हेड, यहाँ से भी आ रहे हैं बकेट हेड बहुत आ रहे हैं भैया। मरना लगता है ये करना पड़ेगा भैया, ये भी करना पड़ेगा लगता है, देख सकते हैं इसका इतना भी बुरा नहीं है भैया प्लांट फूड पावर। ठीक ठाक है मुन्ना, इतना भी कुछ बुरा नहीं है, इतना कुछ अच्छा भी नहीं है, चल क्या है। हाँ भैया चल काम चलाओ है इसका भी, एक और करके कहें, बहुत ज़्यादा ग्रेव्स टूट जाएंगे पर इससे, ये अच्छी बात है भैया इसकी ग्रेव्स टूट जाते हैं भैया, ग्रेव बस कर उतना ज़रूरत में नहीं आता। तो भैया इनको आगे आगे लगाते हैं अब, और क्या इसको रिमूव करने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बात कर लेंगे, इसको लगाना चाहिए।
ओके भैया, अभी सोचने की बात है भैया, किस पे प्लांट फ्रूट लगा है। मैंने कहा पटेटो माइन मिलता तो अच्छा रहेगा, पटेटो माइन का फिर वेट करते हैं। और क्या, मैंने इसने का पहले ही अपना फेंक दिया, ये मेरे को लगता है सही रहेगा। भैया अच्छा टाइमिंग था, सही था भैया, पर अब क्या करेंगे आप। ओके उतना बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है ये तो मेरे को भैया, सही काम उन्हें इतना हार्ड हम कैसे करेंगे भैया। वॉलनट से भी अच्छा काम करेगा अभी स्पाइक वीड, क्योंकि भैया इसका हेल्थ वॉलनट से भी ज़्यादा है। वॉलनट तो एक बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन भैया इसको तो और टाइम लगता है डिस्ट्रॉय होने में। ये अगर मिल के रहें तो अच्छा रहेगा, हम हारेंगे नहीं भैया, जल्दी नहीं हारेंगे भैया बोल सकते हैं, क्योंकि हारना तो है ही, क्योंकि इतने सारे जॉम्बीज का हम सामान ले सकते हैं भैया। मैंने इसको लगा भी दिया फिर से क्यों, हाँ भैया मैं फिर से लगा भी रहा हूँ इनको। ओके हमारा ग्रेव बस का खा गया भैया, इतना सहका नहीं। ओके यहाँ पे एक वॉन्ग टाइप का चीज़ लगा के खाऊँ फिर से, अभी इससे लड़ने का भैया यही अच्छा तरीका है भैया। बस अब हम लोग हारने वाले हैं, बहुत जल्दी हारने वाले हैं भैया, इस जगह बार को जितनी जल्दी रोक सके रोक दीजिए, मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा देर तक बच पाएंगे हम, जैसा कि मुझे लगा ही था। एक लॉन्ग मार्च चल गया तो इसी लाइन में अभी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक बचा है बस। मतलब देख रहा है क्योंकि क्या है हम कैसे करेंगे भैया, ये मास में डैमेज करेगा ना भैया को, अच्छा रहेगा देख सकते हैं भैया कितना डैमेज हुआ इनको। और मैंने फिर तो बहुत अच्छा है ये स्पाइक वाला, मुझे इसकी ये वाली खासियत पता नहीं थी, एक ही ग्रे बचा है भैया। पर भैया हमने एक और रिकॉर्ड तोड़ गया भैया, रिकॉर्ड नहीं तोड़ा मका भैया, मगर एक और चीज़ कर गया भैया, पूरे इतने सारे ग्रेव्स को हमने हटाया है। मैंने आखिरकार ये मर ही गए भैया, लेवल पार हो गया, बहुत हार्ड था मगर थोड़ा हार्ड था, उतना भी हार्ड तो था नहीं, पर फिर भी भैया हार्ड तो था भैया, इजी नहीं बोल सकते इस लेवल को। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, अब अगली बार मैं आपसे मिल जाऊँ एक और नए स्ट्रेटजी एक और नए वीडियो से लेकर को लेकर, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ऑसम वीडियो देखने के लिए लाइक बटन का बनता है, तो क्या कर रहे हो क्या होगा भाव। और अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आ जाते हैं तब मैं सारे बॉसेस को एक वीडियो में लड़के दिखाऊंगा। ऑब्वियसली हमने जितने लेवल सभी का अनलॉक किया है उसके, यानी कि तीन लेवल के बॉसेस, पर वो कभी हम लोग कर पाएंगे जब हम लोग वाइल्ड वेस्ट के बॉस को डिफीट कर देंगे। तो अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो लाइक बटन को मारी को, तो बाय बाय।